यो फ्रेंड्स, कतार एयरलाइन से लेकर के आई हूँ मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी वैकेंसीज, फ्रेशर से लेकर एक्सपीरियंस तक। सैलरी पैकेज कितना रहेगा, शिफ्ट क्या रहेगी, काम आपको यहाँ पे क्या करना रहेगा, कैबिन क्रियो, कार्गो, ऑपरेशंस, लीड, ये सारी वैकेंसीज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। कौन सी लोकेशन में कौन सी पोस्ट निकल कर आई है, अप्लाई कैसे करना है और इंटरव्यू में आपको क्या क्या पूछा जाएगा, कैसे क्लियर करना है इंटरव्यू, ये मैं आपको आज बताने वाली हूँ इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, सो कतार एयरवेज के बारे में मैं आपको बता दूँ, एक बहुत बड़ी एयरलाइंस है, जैसे इंडिगो है और भी बहुत सारी एयरलाइंस है, बट कतार जो है ये एक दुबई की एयरलाइंस है, बहुत बड़ा ब्रांड है। यहाँ से लेकर आई हूँ मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी वैकेंसीज, जैसे कि कैबिन क्रियो हो गया, कैबिन सर्विसेज हो गई, ऑपरेशन, कमर्शियल, फ्लाइट ऑपरेशन स्पेशलिस्ट, कस्टमर सर्विस, इंजीनियरिंग, ये सारी वैकेंसीज के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं हम। आपको एक एक करके बताऊंगी आपको अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म फिल कैसे करना है। अगर आप मेरी वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तभी आप अप्लाई कर पाएंगे और तभी हाई चांसेस रहेंगे आपको आपके कि आपकी कतार एयरलाइन जैसी कंपनी में यहाँ पे आपकी जॉब लग जाए। ठीक है दोस्तों, तो बने रहेगा मेरे साथ वीडियो की एंड तक। उससे पहले एक रिक्वेस्ट और करूंगी, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत बुरा लग रहा है आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, देख के चले जाते हैं, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। सो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को, आप लोगों के लिए ही मैं बनाती हूँ वीडियोस, जो भी अपॉर्चुनिटी लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो ही लाइक कीजिएगा। करती हूँ वीडियो को स्टार्ट ऑन माई कंप्यूटर स्क्रीन। सो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया कतार एयरलाइंस क्या है, कतार एयरलाइंस एक बहुत बड़ी एयरलाइंस है, इंडिगो एयरलाइंस होगी, ये सारी जो एयरलाइंस आपने सुना होगा वो कतार उनमें से एक है, बहुत बड़ा ब्रांड है दुबई का। और यहाँ से निकल कर आई है वैकेंसीज, ये मैंने ओपन किया है कतार एयरलाइंस का वेबसाइट, जैसे आप देख सकते हैं करियर वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पे नीचे बात करते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज निकल कर आई है। यहाँ पे निकल कर आई कैबिन क्रू, कैबिन सर्विसेज की 75 जॉब, कार्गो एयरपोर्ट ऑपरेशंस में निकल कर आई है, कॉर्पोरेट, कमर्शियल, कस्टमर सर्विस, इंजीनियरिंग, पायलट एंड फ्लाइट ऑपरेशंस, तो ये वैकेंसीज निकल कर आई है यहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे मेन कैबिन क्रू के बारे में। आपको तो पता ही होगा कैबिन क्रू का काम क्या रहता है, कस्टमर सर्विस से रिलेटेड काम रहता है, सब फूड सर्व करना होता है, लैंड के टाइम पे सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। मैं आपको सबसे अब बताऊंगी कार्गो ना एयरपोर्ट ऑपरेशंस का क्या काम रहेगा। कार्गो ना एयर ऑपरेशंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यहाँ पे। ये जो निकल कर आई है ना रिक्रूटमेंट इवेंट, साउथ अफ्रीका से निकल कर आई है, साउथ अफ्रीका में आपको यहाँ पे जॉब लग सकती है दोस्तों, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। ठीक है, बात करते हैं थोड़ी सी यहाँ पे कतार एविएशन सर्विसेज इस कमिंग जॉनसनबर्ग साउथ अफ्रीका की है यहाँ पे। ठीक है, वी आर लुकिंग टू हायर हाईली स्किल्ड एविएशन एक्सपीरियंस टैलेंट्स, ये हायर कर रहे हैं हाईली स्किल्स वाले एविएशन एक्सपीरियंस टैलेंट्स वालों के। ठीक है, व्हाट टू डू अ कतार एविएशन सर्विसेज क्या करती है, सो QA हैज बीन सोल्ड ग्राउंड सर्विसेज प्रोवाइडर बाय इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ग्राउंड सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आपकी जॉब लगेगी। ठीक है फ्रेंड्स, ऑपरेशंस आपको यहाँ पे देखना है, दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड देन एट अवार्ड विनिंग हामद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आपको यहाँ पे काम करना होगा। ठीक है, तो वी आर लुकिंग फॉर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल, तो इसके लिए इस प्रोफाइल के लिए ना ऑपरेशन के लिए आपको एक्सपीरियंस होना जरूरी है, तो एक्सपीरियंस वालों के लिए हायरिंग है यहाँ पे। एंट्री लेवल आपका मिडिल टू सीनियर मैनेजमेंट रोल्स रहेगा। असाइड ऑपरेशंस में क्या करना है आपको, एयरक्राफ्ट हैंडलिंग करनी है, लोडिंग एंड ऑफलोडिंग का काम करना है आपको, कैबिन अपीयरेंस देखना है, टर्न अराउंड कोऑर्डिनेशन, ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन देखना है आपको यहाँ पे, साथ ही में आपको ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट देखना है, बैगेज हैंडलिंग, बैगेज ऑपरेशंस ये सारा देखना है, फ्लाइट ऑपरेशंस देखनी है आपको, फ्लाइट के अंदर जो भी ऑपरेशन से रिलेटेड होता है वो देखना है, रैम्प हैंडलिंग, आउटसाइड ट्रांसपोर्टेशन, ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर, सेंट्रलाइज लोड कंट्रोल, जनरल एविएशन एंड एडहॉक सर्विसेज। सो बेसिक ना ये कैबिन क्रू से ऊपर आती है ये वाली पोस्ट, तो ये ऑपरेशंस का काम आपको यहाँ पे देखना होगा जैसे कि मैंने आपको बताया। पैसेंजर सर्विसेज हैंडलिंग, चेक इन एंड बोर्डिंग, चेकिंग और बोर्डिंग के टाइम पे आपको पैसेंजर्स की सर्विसेज देखनी है, ट्रांसफर एंड अराइवल्स, लॉस्ट एंड फाउंड, किसी का कुछ खो गया हो, किसी का कुछ मिला हो अजीब सा, तो वो आपको यहाँ पे देखना है, ट्रॉली मैनेजमेंट देखना है, पैसेंजर्स विद रिड्यूस मोबिलिटी, यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि मोबिलिटी जो सर्विसेज है वो रिड्यूस हो जाए, ट्रैवल सर्विसेज एंड टूर्स, लॉन्च एंड प्रीमियर सर्विसेज ये भी आपको देखनी है। तो ये बेसिकली आपका यहाँ पे ऑपरेशंस में आता है, कार्गो ऑपरेशंस में रहेगा। इंजीनियरिंग में ग्राउंड सर्विस इक्विपमेंट सर्विसेज रहेगा, बॉडी शॉप सर्विसेज, फ्लीट मैनेजमेंट, स्टोर मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट एंड सपोर्ट फंक्शंस में आपका क्वालिटी सेफ्टी एंड ट्रेनिंग का पर्पस ध्यान रखना है, बिजनेस इंटेलिजेंस, आईटी सिस्टम सपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, प्लानिंग एंड रोस्टिंग, तो ये आपका प्रोफाइल रहेगा, ये आपको देखना है यहाँ पे। सो बेसिकली ओवरऑल आपको क्या देखना है, जो भी आपको लोडिंग लोडिंग होती है, लैंड प्लेन होता है,
कस्टमर से रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज होती है, ये सारी चीज़ें ऑपरेशन से रिलेटेड जो होती है ना मेन, वो आपको यहाँ पे देखनी है, ठीक है। अबाउट कतार एयरवेज ग्रुप, तो ये आपको यहाँ पे एयरवेज ग्रुप के बारे में आपको बताया गया है। अवर स्टोरी स्टार्टिंग विथ 4 एयरक्राफ्ट, टुडे वी डिलीवर एक्सीलेंस अक्रॉस आई टू डिफरेंट बिजनेस कमिंग टुगेदर एज वन। तो ये आप पढ़ सकते हैं, कतार एयरवेज ग्रुप के बारे में आपको यहाँ पे बताया गया, और ये पढ़ना भी ज़रूरी है क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे इंटरव्यू के टाइम पे कि कतार एयरलाइन से आप क्या जानते हैं। तो आप उनको बता रहे हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरलाइंस है यहाँ पे, तो दोहा हो गया, और भी बहुत सारी जो मैंने आपको बताई हैं वो यहाँ पे होती हैं। बी अ पार्ट ऑफ एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्टोरी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी है, ठीक है। सैलरी पैकेज की बात करते हैं, देखिए सैलरी पैकेज मैं आपको बता दूं, इसमें सैलरी पैकेज बहुत ही हैंडसम है, प्लस इंसेंटिव है, प्लस आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। बेनिफिट क्या क्या मिलेंगे आप चार आपको बताएगी। सैलरी पैकेज कितना रहेगा, देखिए स्टार्टिंग में आपको बता दूं 40-50,000 आपका स्टार्टिंग रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 40-50 भी मैं कम बता रही हूँ आपको, 50-60,000 सैलरी पैकेज रहेगा, प्लस आपका यहाँ पे इंसेंटिव रहता है, प्लस आपका परफॉर्म अच्छा करते हैं रेजिग्नेशन पोस्ट आपके यहाँ पे इंक्रीज होगी, सैलरी इंक्रीज होगी, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं सैलरी के साथ, PF, AS, IOT, मेल एक्सेट्रा, सारी चीज़ इंक्लूडेड है। ये सारी जो डिटेल मैं आपको HR बताएगी, तो सैलरी पैकेज तो बहुत अच्छा है, यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट हायर करें, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट इसमें चलेगा, ठीक है। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, देखिए सिलेक्शन प्रोसेस इसमें 3 राउंड होते हैं, HR राउंड बेसिक राउंड होता है, उसके बाद क्लाइंट राउंड, ऑपरेशन राउंड। क्लाइंट राउंड ऑपरेशन राउंड बेसिक सेम ही होता है, इसमें आपसे पूछा जाएगा आप ऑपरेशंस के बारे में क्या जानते हैं, क्या पहले कभी काम किया है, एयरलाइंस के बारे में क्या जानते हैं, कतार एयरलाइंस क्या करती है, ठीक है, ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपने क्या आप अपनी प्रोफाइल को पता है कैसे आपको यहाँ पे काम क्या करना रहेगा, तो आप पढ़ के जाइएगा जो मैंने आपको बताया, दोबारा से पढ़ सकते हैं वेबसाइट पे जाके, ठीक है, उसको अच्छे से पढ़िएगा, प्रिपेयर होके जाएंगे तभी आपके हाई चांसेस होंगे तो आपके यहाँ पे यहाँ जॉब लग जाए। को जो मैं बताऊंगी आपको फॉर्म फिल कैसे करना है वो मैं आपको बेसिक बता दी, तो बेसिक होता है नेम, एज, मोबाइल नंबर, आप अगर एक्सपीरियंस है तो कौन सी कंपनी का एक्सपीरियंस था, और हाँ यहाँ पे आपसे ये भी पूछा जाएगा अगर आपने पहले कभी काम किया है लाइन्स में, क्या काम करते थे, सैलरी पैकेज कितना था, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाएगी, ठीक है। तो आप प्लीज़ आप प्रिपेयर होके जाएंगे, अगर आप यहाँ पे प्रिपेयर होके जाएंगे तभी आपके हाई चांसेस होंगे सिलेक्शन होने के, क्योंकि बहुत बड़ा ब्रांड है यहाँ पे। सारी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस कर दी हैं, सैलरी पैकेज बता दिया है आपको, और मैंने ये भी बताया आपको यहाँ पे कहाँ पे लोकेशन पे कौन सी पोस्ट निकल कर आई है। देखिए पोस्ट मैं आपको बता दूँ, लोकेशन तो वैसे इंटरनेशनल ही है, तो कहीं पे भी आपकी जॉब लग सकती है, इंटरनेशनल भाल कतार एयरवेज है तो कतार में, दुबई, कहीं पे भी आपकी यहाँ पे जॉब लग सकती है। आपको जो है यहाँ पे एक प्रिपेयर होके जाना है, एक प्रोफेशनलिज्म होके जाना है कि आपको यहाँ पे इंटरव्यू क्लियर करके पॉजिटिव एटीट्यूड से ही जाना है यहाँ पे आपको, तो इंटरव्यू सिलेक्शन आपका यहाँ पे एक टेलीफोनिक राउंड भी हो सकता है, ठीक है। दोस्तों फ्रेंड्स मैंने आपको क्लियर कर दिया सारी चीज़ें, एक एक करके सब कुछ मैंने आपको बता दिया आपको कैसे क्या क्या करना है। अब मैं आपको बताऊंगी इसको अप्लाई कैसे करना है, देखिए बहुत ही इजी वे मैं आपको बताऊंगी। इजी वे इसलिए है क्योंकि आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर किया है, उस पर आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अप्लाई क्लिक करना है, क्लिक करके अप्लाई नाउ का ऑप्शन आएगा, उस पर अप्लाई करना, ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। स्टिल कोई दिक्कत परेशानी आए आप हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, हम जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अगर वैसे भी कोई परेशानी आती है आपको, अगर आपको लगता है कि आपको प्रोफाइल समझ नहीं आ रही है, या आपको ऐसा लगता है कि क्या प्रोफाइल है, पैकेज, सैलरी पैकेज कितना रहेगा, कुछ नहीं करना, कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, पर्सनली हम आपको जो है कॉन्टैक्ट कर लेंगे, ठीक है। और आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई चांस, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसीज जो है ना, हायरिंग चलती रहती है कतार एयरवेज में, तो यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपकी जॉब, आप अपना करियर बना सकते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, क्योंकि वीडियो यहीं तक का था आज। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा, ठीक है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।